Let me explain you the concept of reverse osmosis. Now, this is the method by which ultra pure water is obtained. जो आप mineral water की bottle लेते हो उस पर आप ध्यान से देखो purifying methods. उसमें तीन चार methods लिखे हुए रहते हैं. First of all activated charcoal लिखते हैं, then ozonolysis लिखते हैं, then UV radiation लिखते हैं, and finally RO. इस तरह से पानी को अल्ट्रा प्योर बनाने के लिए यह चार मेथड इस्तेमाल होते हैं. सबसे पहले एक्टिवेटेड चारकोल. एक्टिवेटेड चारकोल से जब पानी को पास करा जाता है उसके अंदर जो स्मेल होती है, तरह तरह की जो बदबू होती है, जो ऑडर होता है, वह खत्म हो जाता है एंड दैट वाटर स्टार्ट स्मेलिंग गुड. उसमें से अच्छी खुशबू आने लगती. यह एक्टिवेटेड चारकोल का रोल होता है. देन दैट वाटर इज पास्ड थ्रू यूवी रेडिएशन. यूवी रेडिएशन से उसमें जितने भी लिविंग माइक्रोब से, जर्म से, बैक्टीरिया है जो लिविंग है वह मर जाते हैं. देन इट इज पास्ड थ्रू ओजोन चैम्बर. ओजोन चैम्बर से उसमें जो नॉन लिविंग सब्सटेंस है, जो नॉन लिविंग बैक्टीरिया और माइक्रोब्स है, उनका ऑक्सीडेशन हो जाता है और वहां से पूरी तरह से वह रिमूव हो जाता है. इन सब के बाद भी पानी के अंदर कुछ हार्मफुल मेटल्स, कुछ हार्मफुल एलिमेंट्स रह जाते हैं, जैसे आर्सेनिक, एंटीमनी, कैडमियम. इस तरह के एलिमेंट पानी में रह जाते हैं जिन पर ना तो यूवी रेडिएशन का कोई फर्क होता है, ना ओजोनोलिसिस का फर्क होता है, ना एक्टिवेटेड चारकोल का फर्क होता है. ऐसे पार्टिकल्स को रिवर्स ऑस्मोसिस मेथड के द्वारा पानी से बाहर कर दिया जाता है और वह पानी फिर पीने के लिए बिल्कुल सेफ, बिल्कुल सुरक्षित हो जाता है. किस तरह से होता है यह रिवर्स ऑस्मोसिस देखिए. इनफैक्ट इसी मेथड के द्वारा आज के समय गल्फ कंट्रीज में, जहां पहले बिल्कुल भी पानी नहीं होता था, वहां पर वह बिल्कुल साफ पानी पीते हैं एंड देयर वाटर इज ऑब्टेन्ड बाय द सेम मेथड्स, रिवर्स ऑस्मोसिस. इस तरह का सेटअप बना लिया जाता है. इस जगह पर सॉल्यूशन और डर्टी वाटर, डर्टी सी वाटर, और इस जगह पर प्योर वाटर एंड दिस इज सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन. और इस पिस्टन से डर्टी सी वाटर को प्रेशर लगाया जाता है, दबाया जाता है. ऑस्मोसिस की वजह से, ऑस्मोसिस की वजह से सॉल्वेंट मॉलिक्यूल को प्योर वाटर की तरफ जाना चाहिए. इधर से ऑस्मोटिक प्रेशर लगेगा, ऑस्मोटिक प्रेशर पाया लगेगा. हम एक्सटर्नल सोर्स से, इधर से हैवी प्रेशर लगाते हैं. और इस हैवी प्रेशर की वजह से, इधर से सॉल्यूशन से हैवी प्रेशर सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन पर लगने लगता है एंड दिस अपोजिट टू ऑस्मोटिक प्रेशर. ऑस्मोटिक प्रेशर के अपोजिट डायरेक्शन में एक्सटर्नल एजेंट से ऐसे हैवी प्रेशर लगाया जाता है.
और इस हैवी प्रेशर की वजह से सॉल्वेंट मॉलिक्यूल सॉल्यूशन से प्योर वाटर में आ जाते हैं और इस जगह से फिर हमें प्योर वाटर मिलने लगता है। दिस इज रिवर्स ऑस्मोसिस। दिस प्रेशर मस्ट बी वेरी लार्ज एज कंपेयर टू ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर जो भी कुछ है उससे ज्यादा प्रेशर हमें लगाना होगा तब यह सी वाटर से प्योर वाटर इस तरह से इसके साथ मिलने लगेगा एंड वी कैन ऑब्टेन वाटर विच इज सेफ फॉर ड्रिंकिंग पर्पस बाय दिस मेथड ऑफ रिवर्स ऑस्मोसिस। दिस आर द फोर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। अब हम इन्हीं चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पर कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स करते हैं। इस जगह पर मैं एक कंसेप्ट और इंट्रोड्यूस कर देता हूं, द कंसेप्ट ऑफ आइसोटोनिक सॉल्यूशन। द कंसेप्ट ऑफ आइसोटोनिक सॉल्यूशन। आइसोटोनिक सॉल्यूशन हैव गॉट सेम ऑस्मोटिक प्रेशर। द टू सॉल्यूशन हैविंग सेम ऑस्मोटिक प्रेशर would be termed as isotonic solution and the two solution will have same isotonic solution if they have got same concentration or same molarity of non-volatile solute। यदि दो सॉल्यूशन की मोलारिटी सेम होगी, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट की मोलारिटी सेम होगी, तो हम कहेंगे उनका कंसंट्रेशन सेम है, और यदि उनका कंसंट्रेशन सेम हुआ तो उनका ऑस्मोटिक प्रेशर सेम होगा, यदि उनका ऑस्मोटिक प्रेशर सेम हुआ तो वह दोनों सॉल्यूशन आइसोटोनिक सॉल्यूशन कहलाएंगे। जब हम प्रॉब्लम्स करेंगे तो कई जगह पर आइसोटोनिक वर्ड आएगा, उस आइसोटोनिक वर्ड को देखकर आप सिंपल सा कंक्लूड कीजिए कि यहां पर ऑस्मोटिक प्रेशर सेम करना है, और ऑस्मोटिक प्रेशर सेम करने के लिए कंसंट्रेशन सेम करना है, वहां पर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट की मोलारिटी को इक्वेट कर देना है।